यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपने त्रेता युग में लक्ष्मण जी का बहुत साल पहले इसी जगह पे उन्होंने दुष्ट दमन के नाम से उनका अवतार था गया। तपस्या का टाइम एक अलग था, जैसे लक्ष्मण जी ने तपस्या करी। कहाँ से हो, उम्र कितनी होगी आपकी, उम्र कितनी होगी आपकी? गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। और अब मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण मंदिर में, आपको एक बार लक्ष्मण मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ और वहाँ की कोशिश करूँगा कि स्टोरी पता करूँ वहाँ के पंडित से और आपको दिखाता हूँ। चलो चलो, ये 11:15 बजे तक अंदर का लाइव प्रोग्राम चल रहा है। एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, एक कैमरा उधर इस छाते के नीचे लगा हुआ है, दो तीन कैमरे और हैं वो अंदर ही लगे हुए हैं। तो ये लाइव PTC के यूट्यूब चैनल पे। 2 मिनट भाई, लक्ष्मण मंदिर हुए, चलो 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, खा लो, आ रहा हूँ मैं। आप लाइव PTC चैनल पे, यूट्यूब पे उनके और फेसबुक चैनल पे देख सकते हो, TV पे भी लाइव प्रसारण आएगा। तो ये यात्रा है, ये 10 नवंबर तक रहने वाली है, 10 नवंबर के बाद बंद हो जाएगी यात्रा। 10 नवंबर को 12 बजे बताया थे, अभी अरदास में बताया था उन्होंने कि 10 नवंबर को 12 बजे तक यात्रा बंद हो जाएगी। तो जिसने भी आना है 10 नवंबर से पहले पहले आना, क्योंकि मौसम दिनों दिन खराब ही होता जा रहा है, तो उसके बाद बर्फ पड़ जाती है तो एक कपाट बंद हो जाता है, फिर अगली बार मई में खुलते हैं। तो ये है लक्ष्मण मंदिर जाने का रास्ता और ये बना हुआ एक सुंदर नजारा एक सरोवर का। वाह जी वाह, मतलब यहाँ पे बंदा जितनी देर मर्जी रुक जाए मन नहीं भरेगा। अंदर अरदास वाली जगह में मेरा उठने का 1% भी मन नहीं था, पर वो बाबा जी बोले, कह रहे वापसी भी करनी है, नीचे चलते हैं। मैं कहा चलो, ये गर्म पड़े, पीछे ठंडा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। मैं चाहता हूँ यार, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी करी थी मेरे फ्रेंड ने, और मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो सिख यहाँ तक आते हो कृपया इस मंदिर में भी आया करो। आते होंगे बहुत, पर मुझे लगता है कम, तो अगर आते हो तो यार ये भी हमारा अपना ही मंदिर है, यहाँ भी आया करो। और जो हिंदू भी आते हैं तो आपको बता दें, इसके गुरुद्वारे के बैक साइड ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने काफ़ी तपस्या करी थी। तो एक बार पूछते हैं इनसे इसका रहस्य क्या, इस जगह का। मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे भी थोड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करें, जिससे यहाँ पे भी कुछ इस मंदिर को बड़ा करके थोड़ा सुख सुविधा का कुछ प्रबंध किया जाए। वैसे यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, चलो गुरुद्वारे वालों ने बहुत कर रखा है, वो भी उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ मैं उनका दिल से, कि वहाँ खिचड़ी और चाय का प्रबंध है, कि एक्स्ट्रा जरूरत है नहीं। फिर भी जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय महादेव, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। यहीं पास में ही बना हुआ है शिव मंदिर, जय महादेव। और ये 7 चोटियों से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। ये हैं यहाँ के पुजारी जी, जो बता रहे हैं कि 10 तारीख को ये भी नीचे चले जाएंगे मंदिर बंद करके। यही वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपने त्रेता युग में लक्ष्मण जी का अवतार लेने से पहले उन्होंने वासुकी नाग, जिसे शेषनाग कहा जाता है, शेषनाग के रूप में अनंत काल पहले अवतार लिया था और यहाँ पे काफ़ी सालों तक तपस्या करी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी इस जगह पे तपस्या करी थी। फिर उनका जब त्रेता युग में अवतार राम जी का हुआ, क्योंकि जब पाप बहुत बढ़ चुका था तब उनको अपना रूप दूसरा लेना पड़ा, तो धरती पे आना पड़ा, तो उन्होंने रामायण में आपको सारा पता ही है ना, तो उससे पहले वो यहीं पे तप करके गए थे। पर एक और चीज़ है यार, कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, हमारे हिंदू जैसे लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है यहाँ का, इवन मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो मैं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट करूँगा हो सके तो अपने सर्कल में इसे शेयर कर देना, अगर शेयर नहीं करना चाहते तो ये नॉलेज स्प्रेड कर देना, कि अपने सर्कल में ये ज़रूर बताना कि एक
हेमकुंड साहिब के साथ अगर कोई भी इधर आ रहा है तो उन्हें ये जरूर बताना कि हेमकुंड साहिब के बैक साइड पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। बहुत लोग यहाँ पे आके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं है इतना कि यहाँ पे इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने काफ़ी साल तपस्या करी थी शेषनाग जी के रूप में। और दूसरी बात, दूसरी जो ये सरोवर है आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसी सरोवर में गुरु गोविंद सिंह जी ने कलयुग में अवतार लेने से पहले अनंत साल पहले इसी जगह पे उन्होंने दुष्ट दमन के नाम से उनका अवतार था, यहाँ पे काफ़ी तपस्या करी। फिर जब कलयुग समय आया तब लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू हुआ वो, इसलिए ये तो रब की लीला है कि अकाल पुरख वाहेगुरु जी ने उनको आदेश दिया कि अब कलयुग आ गया। तपस्या का टाइम एक अलग था, जैसे लक्ष्मण जी ने तपस्या करी, गुरु जी ने तपस्या करी, गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या के टाइम, उस टाइम पाप नहीं था धरती पे, सब तपस्या ही करते थे। जब पाप बढ़ने लगा फिर उनको अवतार लेना पड़ा लोगों को सीधे रास्ते डालने के लिए, तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अवतार लिया यहाँ पे, तो सारे अपने सिखों को उतारा। इसी तरह से लक्ष्मण जी ने अवतार लिया, धर्म और अधर्म में फर्क बताया। और यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें प्रॉपर बताया गया कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी की महानता है उसी तरह से लक्ष्मण जी की भी महानता है, कि गुरु गोविंद सिंह जी भी रब का रूप थे, लक्ष्मण जी भी भगवान ही थे। तो उन दोनों ने, भगवानों ने उन दोनों ने यही चाहा कि लोग सीधे रास्ते तोड़े और जो गलत चीज थी उसका विनाश किया। तो जब भी आप हेमकुंड साहिब आओ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हेमकुंड साहिब के बैक साइड पे ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है, यहाँ भी जरूर आए, माथा टेक के जाएं, हो सके तो 10-20-50 अपनी जेब से थोड़ा दान करें, ताकि यहाँ के जो पंडित हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा इनको भी डोनेशन मिल सके और थोड़ा मंदिर का कल को हम आए तो ये अच्छा ही हो, ऐसा ना हो कि कल को आने वाली पीढ़ी को इस बारे में पता ही ना चले, दिनों दिन लोग उधर से माथा टेक के उधर ही चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बचते हैं या वो नहीं आना चाह रहे, कईयों को पता ही नहीं है, कुछ हैं जो इग्नोर कर देते, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ठीक है यार, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम आके यहाँ पे जरूर दर्शन करो। तो अभी ये देखो, अभी धूप निकल रही थी और अभी ये बादल आ गए हैं, थोड़े थोड़ा ये छुपना शुरू हो चुके। चलो हम अच्छे किस्मत वाले हैं कि अच्छे से दर्शन कर लिए धूप में ही। 10:30 बज गए हैं, तो मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर आप आते हो हेमकुंड साहिब, प्लीज़ लक्ष्मण मंदिर ज़रूर आओ। और अपना जो हमारा हिंदुओं का धर्म है, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान है, उनको बचा के रखो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी कुछ इतिहास हमारा पता चल सके, नहीं तो आने वाले टाइम में इतिहास भी विलुप्त हो जाएगा। जैसे हर चीज़ धीरे 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 ख़त्म होते जा रही है, जैसे सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है और ज़माना बहुत फास्ट चल रहा है, कम से कम अपना इतिहास बचा लो, अपना धर्म बचा लो, उसकी नॉलेज रखो। हमें ही नहीं हिंदुओं की, अपने आप की पता चलेगी तो फिर किसको पता चलेगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा एक बार ज़रूर विजिट करना और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ज़रूर करना। अब मैं अपना वहाँ से सामान उठाता हूँ और फिर चलने की तैयारी करता हूँ। अब भीड़ होना शुरू हो चुकी है, जब हम आए थे उस टाइम खाली था ये सारा। सतनाम श्री वाहेगुरु। जिनको लगता है यहाँ पे आना मुश्किल है वो इनको देखो, आगे आप आगे चढ़ के, आगे ऊपर से अभी आए हो, ऊपर से कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? लुधियाने से। लुधियाने से। उम्र कितनी होगी आपकी, उम्र कितनी होगी आपकी, उम्र उम्र पता नहीं मैं तो आपके साथ है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हिम्मत है आपकी माता जी यहाँ तक आ रहे हो, नहीं तो लोग आके, हाँ बस वही है कि हिम्मत है इनकी यहाँ तक आके, नहीं तो लोग आज के टाइम में इतना सोचते हैं कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। आप इनको लेके आए हो? लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे ऊपर कैसे आए? हल्की सी बैठा, ऊपर से बादल आने शुरू हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 10:40। एक बार फिर खिचड़ी का प्रसाद खा के बस मैं 5-10 मिनट में यहाँ से निकलने वाला हूँ। दर्शन करने के बाद 11:45 हो चुके हैं, खिचड़ी का प्रसाद ही खा लिया है, लक्ष्मण मंदिर में माथा भी टेक लिया। अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, सीढ़ियों से नहीं जाऊँगा, इधर से जाऊँगा मार्केट की तरफ से, यहाँ से। सतनाम श्री वाहेगुरु।